जी हाँ दोस्तों, जसमंड करियर पॉइंट पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि इस समय पे अभी मैंने इसके पहले भी बताया था वीडियो में कि अभी जो है इसके पहले जो रिजल्ट को वापस ले लिया गया था पीवी के द्वारा, लेकिन मैं आपको बताया था ना कि शाम तक वो पुनः इसमें को डाल सकता है। इसका अर्थ ये है कि आप जान लीजिए कि अब पीवी फिर से इस रिजल्ट को डाल दिया है, क्योंकि अभी आपके सामने मैं बताऊंगा कि कैसे हम कोई भी मतलब रोल नंबर के माध्यम से किसी भी के कैसे आपके सामने खुद मैं जो है अभी रिजल्ट निकालूंगा। और एक चीज़ मैं आपको आज यही सिखाने वाला हूं कि सर्वर प्रॉब्लम के बाद हमें किस तरह से सब लोग सर्वर प्रॉब्लम तो सब जगह लग रहा है, चल ही रहा है, जैसे सभी को प्रॉब्लम इसको हो रही होगी। बहुत लोग अभी तक रिजल्ट देख ही ना पाए होंगे, उनके लिए बता रहा हूँ कि आपको कैसे रिजल्ट देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है उनको मैं बता देता हूँ, जो नए हैं जिनको अभी रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आप कोई भी जो भी सर्च इंजन हो आपके पास, जो भी हो, गूगल क्रोम हो, मोजेला हो, जो भी हो, उसमें जो है पीवी देखिए। आपको सबसे पहले बात इनका जो रिजल्ट देखना है वो मुख्य वेबसाइट से ही देखना है, मेन वेबसाइट से ही देखना है। आप कहीं भी किसी के माध्यम कहीं से भी आप आते होंगे तो वहीं लेके जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जब हमें वहीं लेके जाता है तो हमें मेन वेबसाइट में जाना है। सबसे पहले हम जो है पीवी, जैसे देख रहे हो pv.mp.gov.in है ना, इसको हमने सबसे पहले सर्च करेंगे। ठीक है, अब हम इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद देखते हैं, तो इसके पहले हम लोग ये वाले को हम सर्च कर रहे हैं। देखिए ये सर्च किए, ये आ गया। इसके बाद हम जो है इसमें चाहे कोई भी लैंग्वेज सीध कर दो, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश कुछ भी कर दो, मैं हिंदी कर दिया हूँ। इसके बाद प्रथम चरण परीक्षा पुलिस आरक्षक भर्ती की आ चुकी है 2020 का, हमने इसको क्लिक किया। फाइनल रिजल्ट है यहाँ पे, यहाँ पे अपना रोल नंबर जो भी हो इसके पास जो भी हो वो रोल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। मान लो हमारे पास एक रोल नंबर है, उसको हम आपके सामने डाल के बता रहे हैं कि हमें कैसे करना है। ठीक है, तो रोल नंबर आपका क्या है देखिए यहाँ 407। तो हम पहले एक फोर रोल नंबर है आपको, हम उसके सामने 22, ठीक है, 2481886, ठीक है, ये वाला रोल नंबर है, ये रोल नंबर हो गया। डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए हम आपके सामने डाल दिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपके सामने इसको हम प्लस कर दिए, तो जैसे कि आप जान ही रहे हो ये प्लस कर दिए। मान लीजिए 260 को 525 से जोड़ना है तो यहाँ पे 775 आ रहा है, हमने यहाँ पे 775 डाल लिया। ये हमने 775 इस पर हमने डाल दिया। अब इस पर सर्च किए, देखिए इसमें इलवाइलिक कैप्चा बोल रहा बता रहा है। देखिए यहाँ पे 2448186600 ऐसे बार बार आता है, आपको फिर प्रॉब्लम इसमें प्रॉब्लम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखिए दो दो मिनट में जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं। इसको बार बार आपको सही सही से इनवैलिड कैप्चर को सही करना है और इसको इस तरह से डालना है। अच्छी 914 आ रहा है, 914 हम इसमें डाल देंगे, तो 914 हम इसमें डाल दिए। ठीक है, 914 जैसे हमने इसमें डालेंगे, एक मिनट, 914, फिर ये देखो चेंज हो गया। ठीक है, इसमें हाँ 914 हमको इसको डालना है, एक मिनट, 914, अरे बाप रे, सॉरी 9914, 914। ये हम फिर सर्च करेंगे, बार बार हमें सर्च करना है जब तक कि ये देखिए आप लोग क्या है सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग ये करते हैं, एक बार सर्च किए नहीं आया तो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हमें लगातार आपको इस तरह सर्च करते जाना है, फिर से ऐसे बोलेगा, फिर से हमें ये कैप्चा को बदलते रहना है बस 184। ठीक है, इसमें माइनस अगर नहीं समझ में आता एक कैप्चा और कर दूँ तो इससे क्या होगा कि आपको ईजी कैप्चा मिल जाए। ठीक है, आपको 412 214 हम लोग यहाँ पे फिर डालेंगे। ठीक है, क्या डालेंगे हम लोग इसमें 214 214 214 214। इस तरह बार बार आपको करना है। देखिए मैं आपको इसलिए ऐसे बता रहा हूँ, तो अंत में ये देखें एक ये रिजल्ट आपके सामने खुल गई।
फर्स्ट स्टेट में जिनका भी है ए ओबीसी में, तो इसका जो है इस रिजल्ट जो है क्वालिफाइड दिख गया, ठीक है। तो इस तरह आप लगातार करते रहेंगे तो आपको जो है ये वाला रिजल्ट आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको लगातार इसमें करना है, ऐसा नहीं है कि हटा लिया गया अब फिर से आ चुका है, पहले हटा जरूर लिया था अब फिर से आ गया। इस तरह आप जो है क्या रिजल्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू।